इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों से ये मामूली लड़कियाँ केस लड़ने आई हैं। क्या आप लोगों को घर बार छोड़ने के लिए उकसाते हैं? वहाँ घर बार छोड़ने की नहीं बल्कि विकारों को छोड़ने की बात की जाती है। ओम शांति। आज खास गॉडलीवुड स्टूडियो में डिलाइट फिल्म देखने के लिए आए। बहुत बहुत सुंदर फिल्म बनी है जिसमें यज्ञ में जो भी बातें हुई है वो सारे दृश्य रूप में पब्लिक के आगे रखी गई है। ऐसा लग रहा था जैसा हम उस समय फिल्म के साथ साथ ही गुजर रहे थे, इसीलिए उसकी छाप देखने से छाप मन के ऊपर लग जाती है और सब यथार्थ बातें समझ में आती है। धर्म के लिए कितना सहन करना पड़ता है वो सारी बातें स्पष्ट हो रही थी, परंतु बाबा ने और सर्व बच्चों ने कितना सहन करके और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को खड़ा किया, इसका फाउंडेशन कितना पक्का है ये देखने से ही समझ में आ गया। और विशेष तो हमारे हरिलाल भाई और सुजीत सरकार, इन्होंने जो इतनी मेहनत किया और जो भी सुना हुआ था उसको सारी पब्लिक के आगे रखा। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्या है ये देखने के बाद किसी को भी समझ में आ जाएगा कि इसका संस्थापक कौन है और किस रीति से ये संस्था चलती है। तो मैं समझती हूँ आगे चल के जो बाबा की प्रत्यक्षता होगी उसमें इसका भी ज़रूर फिल्म का योगदान रहेगा। और नहीं समझने वाले बातें समझेंगे, देखेंगे और समझेंगे, और जिनकी भी गलत फहमियाँ हैं वो ज़रूर दूर हो जाएगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। मेरा यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देखें और ये जो जीवन को परिवर्तन करने वाली फिल्म है उस फिल्म को देख के अपने जीवन को परिवर्तन करें, यही हमारी शुभ भावना और शुभकामना है। ओम शांति। ये राह ही ऐसी है जिस पर चलने वाले थोड़े होते हैं और देखने वाले बहुत ही ज्यादा।